मैं विजयपाल सिंह, शिक्षा विभाग हरियाणा से आज के एजुसेट प्रसारण की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस कक्षा में हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। कक्षा के अंत तक हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में भी सीखने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक दुकानदार ग्राहक को कुछ सामान बेच रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसमें दुकानदार ग्राहक को जो बेच रहा है सामान, क्या आप बता पाएंगे कि जिस कीमत पर या जितने रुपए में दुकानदार ग्राहक को सामान दे रहा है, कोई वस्तु बेच रहा है, वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? या दुकानदार वो वस्तु बड़े दुकानदार यानी होलसेलर से जितने रुपए में खरीद कर लाया था, वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा? तो प्यारे बच्चों, यहां आप असमंजस की स्थिति में हैं। चलिए इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है, यानी किसी वस्तु के खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। दुकानदार जितने रुपए में कोई वस्तु बड़े दुकानदार से खरीद कर लाता है, वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। और प्यारे बच्चों, जिस मूल्य पर दुकानदार उस वस्तु को ग्राहक को बेच रहा है, वह उसका विक्रय मूल्य होता है, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी किसी वस्तु के बेचने के मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। यहां एक बात अपने दिमाग में आती है, आपके दिमाग में भी आती होगी, कि दुकानदार जितने रुपए में कोई वस्तु खरीद कर लाया, क्या वह उतने ही रुपए में बेचना चाहेगा, या उससे कम में बेचना चाहता है, या उससे अधिक में बेचना चाहता है। और इस स्थिति पर आप अपने आप को रखें और सोचें कि जितने रुपए में कोई वस्तु खरीद कर लाए होंगे, उस वस्तु को ग्राहक को कम में बेचा जाए, ज़्यादा में बेचा जाए, या उतने ही रुपए में बेचा जाए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि जितने रुपए में वो खरीद कर लाया था, निश्चित तौर पे उससे ज़्यादा में बेचना चाहेगा। ज़्यादा में क्यों बेचना चाहेगा? ताकि उसे वेरी गुड फायदा हो, और फायदा हो यानी फायदा को हम लाभ भी कहते हैं। तो कोई भी दुकानदार जिस वस्तु को, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीद कर लाता है, उसे ज़्यादा में बेचने की कोशिश करता है ताकि उसे लाभ हो। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा में बेचने का मतलब हो गया वस्तु का विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होता है। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक दुकानदार कोई सामान 100 रुपए में खरीद कर लाया और उसने 110 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ? उसे ज्यादा में बेच दिया ना, लाभ हुआ। कितना हुआ, कैसे ज्ञात करेंगे? शाबाश, बताइए। वेरी गुड, आप में से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से कर लिया। 110 में से 100 को घटा लिया ना आपने, और उसका लाभ कितना आया? 10 रुपए आया। तो लाभ का सूत्र, लाभ का फॉर्मूला क्या हो गया प्यारे बच्चों? लाभ को कैसे ज्ञात किया आपने? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ ज्ञात करने के लिए हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया। बिल्कुल ठीक बात है। पर प्यारे बच्चों, दुकानदार चाहता तो यही है हमेशा, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी वस्तु में, किसी सामान में कोई खराबी आ जाती है, या कोई सामान लंबे समय तक नहीं बिक पाता है, तो दुकानदार ने ना चाहते हुए भी कई बार उस वस्तु को खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। अब कम मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य ज्यादा है और बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य उसका कम है। जब विक्रय मूल्य कम होगा तो फिर ऐसा होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा दुकानदार को? शाबाश, उसे नुकसान होगा, और नुकसान को हम हानि भी कहते हैं। तो ऐसे में दुकानदार को हानि होगी, यानी हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। तो मान लीजिए दुकानदार कोई वस्तु 50 रुपए में खरीद कर लाया था
और कुछ दिन पड़े रहने पर या उस वस्तु में कोई खराबी होने पर उसे वो वस्तु 45 रुपए में बेचनी पड़ गई। अब 45 रुपए में बेचनी पड़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? उसे हानि हुई। कितनी हानि हुई? शाबाश, वेरी गुड। आप में से कुछ बच्चे तो बहुत तेज हैं, बहुत समझदार हैं। आपने 50 में से 45 को घटा लिया और हानि को ज्ञात कर लिया। वेरी गुड, 5 रुपए उसे हानि हुई। तो हानि को हमने कैसे ज्ञात किया? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी हानि ज्ञात करने के लिए हमें क्या सूत्र मिल गया? क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। इस प्रकार से हम हानि ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इसी से संबंधित और एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। आपको एक सवाल दिखाई दे रहा है, एक खिलौना 100 रुपए में खरीदा गया और 120 में बेचा गया। तो शाबाश, इस पर सारी बातें आप करेंगे। क्रय मूल्य कितना होगा? इसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जितने में ये खरीदा गया है, यानी 100 रुपए। इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जितने में ये बेचा गया, शाबाश, कितना है? वेरी गुड, 120 रुपए। अब सोचिए इसमें लाभ हुआ या हानि? शाबाश, हाँ, आप में से बहुत सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसे ज्यादा में बेचा गया है, इसका विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसलिए इस पर लाभ होगा, हानि नहीं होगी। और कितने रुपए लाभ होगा, कैसे निकालेंगे आप? वेरी गुड, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, यानी 120 घटा में 100 बराबर कितने रुपए लाभ आ गया? 20 रुपए लाभ हुआ। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, ये आगे और देखिए, एक साइकिल है और ये साइकिल जो है 1500 रुपए में खरीदी गई और फिर 1800 रुपए में बेच दी गई। तो इस पे क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, इसे भी कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा गया है और इस स्थिति में भी क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो साइकिल का क्रय मूल्य 1500 रुपए, साइकिल का विक्रय मूल्य 1800 रुपए, और इसमें भी लाभ हुआ, हानि नहीं होगी। तो लाभ बराबर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, यानी 1800 माइनस 1500 बराबर कितने रुपए का लाभ हुआ? गुड, 300 रुपए का लाभ हुआ इसे। एक टी शर्ट 200 रुपए में खरीदकर 170 रुपए में बेची गई, लाभ या हानि याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में हम ध्यान से देखें, हमें टी शर्ट का खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य, ये दोनों दिए गए हैं। तो जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। और जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे क्या कहेंगे? शाबाश, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, जैसा आप देख रहे हैं? गुड, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 170 रुपए है। अब सोचिए आप कि 200 रुपए में खरीद कर 170 रुपए में बेचा गया है टी शर्ट को, तो लाभ हुआ या हानि हुआ? शाबाश, सोचिएगा। गुड, क्या सोच रहे हैं? ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा गया है, और जब ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? शाबाश, सही दिशा में जा रहे हैं आप, ऐसे में हानि होती है। और हानि कैसे ज्ञात करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 200 है, उसमें से विक्रय मूल्य 170 घटाया गया है, और ऐसे में हमें कितने रुपए प्राप्त हुए हानि के? 30। यानी हानि कितनी हुई दुकानदार को? 30 रुपए की हानि हुई। तो आइए प्यारे बच्चों, अभी हमने लाभ और हानि तो ज्ञात करना सीख लिया, अब उससे आगे चलते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, एक खिलौना 200 रुपए में खरीद कर 210 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बताइए, यहां खिलौने को जितने रुपए में खरीदा गया, यानी खिलौने का क्रय मूल्य कितना है? खिलौने का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपए। कितने में बेचा गया? 210 रुपए में। तो खिलौने का विक्रय मूल्य
खिलौने का विक्रय मूल्य हो गया 210 रुपए। अब देखिए इसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, लाभ हुआ या हानि? बिल्कुल सही, सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि उसने ज्यादा में बेचा है, और जब ज्यादा में बेचा तो क्या होता है, लाभ होता है, क्योंकि यहां पर हमारा विक्रय मूल्य बड़ा है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 210 है, और क्रय मूल्य इसमें से घटाएंगे 200, यानी 10 रुपए उसे लाभ हुआ, 10 रुपए लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने प्रतिशत के सवाल सीखे थे इससे पहली वीडियो में, तो प्रतिशत एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं। यहां पर हम देखो कितने रुपए लाभ हुआ है, 10 रुपए। कितने रुपए पर, क्रय मूल्य पर देखना है कि उसकी लागत कितनी थी, 200 रुपए थी, यानी 200 रुपए पर उसे कितना लाभ हुआ, 10 रुपए लाभ हुआ। एक एक नियम से हम निकालने की कोशिश करते हैं। 200 रुपए पर लाभ हुआ बराबर 10 रुपए। अब यहां सीखने की कोशिश करते हैं, 1 रुपए पर लाभ हुआ कितना, 1 रुपए पर कम होगा, कम का मतलब ये भाग में चला जाएगा, यानी 10/200, 10/200 रुपए लाभ हुआ 1 रुपए पर। और हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब प्रतिशो में से, तो 100 में से देखेंगे, यानी 100 रुपए पर लाभ हुआ। अब 100 पे ज्यादा होगा 1 से, तो 1 वाला जो था इसे हम 100 से गुणा कर देंगे। और यहां पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी 100 रुपए पर कितने रुपए लाभ हुआ, 5 रुपए हुआ। तो इसे 5% कह सकते हैं, क्योंकि 100 में से है ये। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ा आपको, 10 रुपए तो लाभ था, लाभ बटे में 200, 200 क्या है, क्रय मूल्य है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का एक सूत्र हमें मिल गया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। और यहां से अब हम ज्ञात कर सकते हैं, लाभ हमारा है 10 रुपए बटे क्रय मूल्य हमारा 200 रुपए गुणा में 100। ये 2 जीरो कटने का मतलब हो गया, हमने 100 से भाग दे दिया और इसको इससे काट दिया, और लाभ प्रतिशत हमारा आ गया 5%। तो यहां पर एक एक नियम से हमने लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र भी ज्ञात कर लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र को भी आप याद रखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्यारे बच्चों, हमने लाभ हानि, उसके बाद लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये ज्ञात करना जाना। आइए उसे और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपए था, तथा दुकानदार ने इसे 20% लाभ पर बेचा, तो खिलौना कार का क्रय मूल्य क्या था, यानी हमें विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया गया है, और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, यहां देखो 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पर लाभ कितना, 20 रुपए, 100 रुपए पर लाभ 20 रुपए, यानी क्रय मूल्य यदि 100 रुपए है तो लाभ उसका 20 रुपए होगा, और 100 में खरीदा, 20 रुपए लाभ कमाया, तो कितने में बेच दिया, शाबाश, बताइए कितने में बेच दिया, 100 रुपए क्रय मूल्य यानी उसकी लागत है, 20 रुपए उस पर लाभ कमाया, तो कितने में बेचेगा, वेरी गुड, 100 जमा में 20, यानी 120 रुपए में बेचेगा। तो 20% लाभ का मतलब हो गया 100 रुपए पर 20 रुपए लाभ, यदि 100 रुपए तो लाभ यहां पर कितना हो जाएगा, 20 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 जमा में 20, यानी 120 रुपए। क्यों आया, क्योंकि 20% लाभ पर बेचा है,
20% लाभ पर बेचा है, तो यदि 100 रुपये का क्रयमूल्य है तो 20 रुपये उसने लाभ कमाया और 120 रुपये में बेचा। अब देखिए विक्रयमूल्य 120 तो क्रयमूल्य 100, और यहां विक्रयमूल्य 540 है तो क्रयमूल्य ज्ञात करना है। जो चीज ज्ञात करनी है एक एक नियम से हम वो दाई तरफ लिखेंगे। तो यहां एक एक नियम लगाते हैं, यदि विक्रयमूल्य 120 रुपये है तो क्रयमूल्य 100 रुपये, और यदि विक्रयमूल्य 1 रुपये है तो क्रयमूल्य, अब 1 रुपये है तो क्रयमूल्य कम होगा, कम के लिए बताया था अभी, ये संख्या भाग में चली जाएगी यानी 100/120, और यदि विक्रयमूल्य 540 है, यदि विक्रयमूल्य 540 रुपये है तो क्रयमूल्य 100/120 गुणा 540, ये कट गया 0 से 0, उसके बाद इसको काट देंगे 2 से 6 पर 2 से 27, फिर 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, और 2 से इसको कट जाएगा 50 पर, 9 × 5 = 45 और 0 का 0 यानी 450 रुपये क्रयमूल्य आ गया। विक्रयमूल्य 540 है तो क्रयमूल्य 450 रुपये। अब इसे हम एक अन्य विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, आइए दूसरी विधि से भी करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर लाभ कितना है, 20% है, क्रयमूल्य का 20%, लाभ बराबर क्रयमूल्य का 20%, और विक्रयमूल्य क्या होता है, विक्रयमूल्य क्या होता है, क्रयमूल्य जमा लाभ, क्रयमूल्य जमा लाभ। तो यहां पर क्या हो गया, क्रयमूल्य जमा लाभ, और लाभ हमारा क्या है, क्रयमूल्य का 20%, लाभ बराबर क्या है, क्रयमूल्य का 20%। अब यहां पर हम विक्रयमूल्य ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां प्यारे बच्चों हम यदि क्रयमूल्य को कॉमन निकाल लें कि क्रयमूल्य 1 जमा, क्रयमूल्य तो चला गया 20%, और ये कितना आ गया, विक्रयमूल्य हमारा कितना है, 540 है, तो 540 बराबर क्रयमूल्य गुणा 1 जमा 20% का मतलब हो गया 20/100, 20 × 20 = 20, 5 = 100, तो यहां आ गया 540 बराबर क्रयमूल्य गुणा 1 जमा 1/5। जब इसको सही बटे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5, और प्यारे बच्चों यहां पर हमें क्रयमूल्य का मान निकालना था, 540 यहां पर है, और जब ये 6/5 की हम साइड बदलेंगे इधर लेकर आएंगे तो ये पलटकर गुणा में आ जाएगा 5/6, और जब ये 5/6 तो 6 से कट जाएगा, 6 × 54 0 का 0, और ये 90 को जब 5 से गुणा करेंगे तो ये 450 किसके बराबर आ गया, क्रयमूल्य के। तो क्रयमूल्य कितना आ गया हमारा, क्रयमूल्य बराबर 450 रुपये। तो हम इस तरीके से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। और अब अंत में गृह कार्य के रूप में आपको कुछ सवाल दिए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आसानी से इन सवालों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।